वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी केदारनाथ धाम दर्शने पहुंचा था, जहां वडाप्रधान मोदी केदारनाथ धाम में गर्भगृह में करी पूजा अर्चना। बाबा केदारनाथ ने बाखंभर वस्त्रों करे अर्पण। मंदिर परिसर में साधु संतो साथ करी बातचीत। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य समाधि स्थले पहुंची आराधना करी। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा वडाप्रधाने कर्यु अनावरण। वडाप्रधान मोदी केदार घाटी आपी अनेक भेट। केदारधाम में 130 करोड़ विकास योजनाओं वडाप्रधान उद्घाटन कर्यु। जय बाबा केदारनाथ ना नाद साथ वडाप्रधान मोदी संबोधन की शुरुआत। ऋषिगण और संतों ने नमन करी। कहो भारत ऋषि परंपरा वालो देश, जारे पण अहीं आवुं छुं कण कण में जोड़ाई जाऊं छुं। केदारनाथ धाम ने कष्टथी मुक्त बनावानुं वडाप्रधान मोदी नुं निवेदन। कहूं 21मी सदीनो त्रीजो दशक उत्तराखंडना विकासनुं हशे। हेमकुंड साहिब पासे रोपवे सहित अनेक विकास कार्योनी योजना छे। चारधामनी यात्रा श्रेष्ठ यात्रा होवानुं वडाप्रधाने कह्युं। चारधामनी यात्राथी हवे रेकॉर्ड तूटी रह्या छे, हवेथी उत्तराखंडना पर्यटनने लाभ थशे तेवुं निवेदन। वडाप्रधाने कह्युं कि आदि शंकराचार्ये पवित्र मठनी स्थापना करी, चार धामनी स्थापना पण करी, द्वादश ज्योतिर्लिंगने पुनर्जागृत करवानुं कार्य कर्युं। आदि शंकराचार्ये बधुं त्याग करीने समाज अने मानवता माटे जीवन जीवानी सशक्त परंपरा उभी करी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद थशे। 30 नवम्बर बाद योजनाने आगळ वधारवानो प्रस्ताव नथी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे आप्युं निवेदन। मार्च 2020 में शुरू कराई हती योजना, कोरोना काल में पातुं हतुं मफत भोजन। समीर वानखेड़े आर्यन केस में हटावामां आव्या। सूत्रों अनुसार मुंबई जोन में समीर वानखेड़े ने हटावामां आव्या। वानखेड़े हवे एनसीबी मुख्यालय में मोकलवामां आव्या। नवजोत सिंह सिद्धुए राजीनामू परत लीधुं। कहूं राज्यना नवा एडवोकेट जनरल निभाता ज कोंग्रेस कार्यालय जेने संभाळशे चार्ज। सरकारे निमेला एडवोकेट जनरल सुमेध सिंहना नाम सामे सिद्धुने हतो वांधो। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह 13 नवम्बर उत्तर प्रदेशनी मुलाकात लेशे। विश्वविद्यालयनुं शिलान्यास करशे। राज्य सरकार अमित शाहना आगमननी तैयारीओमां लागी। मुख्यमंत्री योगी तैयारीओनी करी समीक्षा। भारत अफगानिस्तान मुद्दे योजशे बैठक। 10 नवम्बरे एनएसए स्तरीय बैठकनुं आयोजन। भारतीय एनएसए अजय डोभाल बैठक करशे। भारत उपरांत रशिया अने ईरान पण भाग लेशे। चीन अने पाकिस्तान ने पण आमंत्रण, जो कि पाकिस्तान हाजर नहीं रहे। दिल्लीमां हवानी गुणवत्ता वधु खराब थई रही छे। नोएडा अने गाजियाबादमां एर क्वालिटी इंडेक्स 992 थयो। वायु प्रदूषणने रोकवा दिल्ली सरकार विविध उपायो करी रही छे, छतां पण परिणाम शून्य। दिल्ली में प्रदूषण पर राजकारण प्रतिबंध छता लोग फटाकड़ा फोड़ता। दिल्ली में वध्यु प्रदूषण। आम आदमी पार्टी नेताओं प्रदूषण माटे भाजपने जवाबदार ठेरव्यू। गोपाल राय कहूं फटाकड़ा फोड़वा माटे भाजप जवाबदार। केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधाने कहूं कि 2500 वर्ष पहला आदि शंकराचार्य दक्षिण सूत्र थी आवीने भारत की परिक्रमा करी थी अने देशने जोड़वानो प्रयास कर्यो। वडाप्रधाने पण देश परंपराने आगळ वधारी। मनी लॉन्ड्रिंग केसमां अनिल देशमुख बाद हवे पुत्रनी वधी मुश्केलीओ। ईडीए अनिल देशमुखना पुत्र ऋषिकेश देशमुखने समन्स पाठव्यू। शनिवारे पूछपरछ माटे ईडी कार्यालय खाते बोलावाया। मनी लॉन्ड्रिंग केसमां भाजप नेता किरीट सुमैयाने शिवसेना एनसीपी पर प्रहार कर्या। कहूं अनिल देशमुख बाद हवे बीजा नेताओं बारो छे। गंभीर आक्षेप करता सुमैया कहूं कि पुत्र जमाई भागीदार अनिल पारब सहित शिवसेना अने एनसीपी ना नेताओं ने हप्ता फंड पहुंचतु हतु। जेल मांथी छूट्या बाद प्रथमवार आर्यन खान आज एनसीबी ऑफिसे पहुंचो। आर्यन खान ने दर शुक्रवार एनसीबी ऑफिसे हाजरी भरवानी शरते जामीन मळ्या हता, जेनी पूर्ति माटे आज आर्यन ने एनसीबी ऑफिस में हाजरी पुरावी। क्रूज ट्रक्स केस एनसीबी जल्दी ज अनन्या पांडेनी करशे पूछपरछ। फरी वात हशे पूछपरछ। एनसीबी समन्स आपी पूछपरछ माटे बोलावी शके छे। अनन्याने समग्र प्रकरणमां साक्षी तरीके बोलावामां आवे तेवी संभावना।
બિહારના ગોપાલગંજ અને પશ્ચિમી ચંપારણના જિલ્લામાં લઠ્ઠાકાંડ, બે દિવસમાં 24 લોકોના મોત થઈ ગયા તો મુઝફ્ફરનગરમાં કેટલાક લોકોએ આંખની રોશની ગુમાવી. જોકે તંત્રને મોતનું કારણ જાણવા નથી મળ્યું. સ્થાનિક નેતાઓએ વિસ્તારની મુલાકાત પણ લીધી. છેલ્લા 10 દિવસમાં ઉત્તરી બિહારમાં દારૂ પીવાથી મોતની આ ત્રીજી ઘટના છે. બિહારના પ્રધાન જનક રામે ગોપાલગંજની મુલાકાત લીધી અને તે લોકોના ઘરની મુલાકાત કરી જેમને નકલી દારૂ પીવાથી મોત થયા. કેટલાક મૃતકોના પરિવારે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરી નાખ્યા છે, પરંતુ આ કેસમાં હજુ તપાસનું ધમધમાટ શરૂ. મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે ઉજ્જૈનમાં મહાકાલેશ્વર મંદિરમાં કરી પૂજા. મહાકાલેશ્વરને દૂધ ચડાવી કર્યો અભિષેક. છઠ પૂજાને લઈને સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડાવવાનો ભારતીય રેલવે નિર્ણય લીધો. છઠ પૂજા માટે મુસાફરોની ભીડ હોવાથી સીટ પણ મળતી નથી, જેથી મુસાફરોને ભારે હાલાકી.